स्वतंत्रता दिवस समारोह की मंगलवार को करनाल अनाज मंडी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। डीसी प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वजारोहण की रस्म अदा की तथा परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर एएसपी एसएम भोरिया, एडीसी अनीश यादव, एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा, जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल तथा उप जिला शिक्षा अधिकारी सपना जैन उपस्थित थी। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह नई अनाज मंडी में भव्य व शानदार ढंग से मनाया जाएगा। इस समारोह में हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड का निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जिला प्रशासन द्वारा समारोह की गरिमा को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए गए हैं तथा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने जिला के लोगों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सर, हम एनसीसी 15 अगस्त की परेड की तैयारी कर रहे हैं। पहले हमारी रिहर्सल हो चुकी है, अब हम धूप में अब यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं दोबारा से, ताकि और अच्छी परेड हो सके और 15 अगस्त बेस्ट कर सके। कितने कैडेट है आपको? सर 24 गर्ल्स, 24 है और 24 ही बॉयज है। विद्यार्थियों से वे मंच पर आए और देशभक्ति पर आधारित आज मंडी करनाल इसके जो फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। यहाँ पे हमारे विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं जो काफी तरीके की थीम्स में, इसके बाद प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर से आपका विद्यार्थी तैयार रहेंगे, बाकी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को लेकर तो काफ़ी विभिन्न, और साथ में हमारा पीटी शोज भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के लिए, तो ये काफ़ी अद्भुत दृश्य होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मैं आपके वास्तव से आके जरूर इस ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।